देखिए क्या डिसीजन लिया ये तो हम आपको अभी नहीं बता सकते, वो तो आपको मालूम होगा जिस दिन अनाउंस होंगे अवार्ड। बाकी है कि इसमें अलग बात यह है कि ये कोई और लोग आके लाल बुझक्कड़ नहीं बता रहे कि अच्छी म्यूजिक को अच्छे गीत क्या हैं, बल्कि वही लोग तय कर रहे हैं जो ये काम करते हैं। नहीं नहीं, इसमें सूफी सॉन्ग तो फिल्मों में भी बहुत होने लगे, तो जिन जिन कैटेगरीज की आप बात कर रही हैं वो सब फिल्मों में मौजूद हैं। देखिए कोशिश ये रहती है कि कोई भी अवार्ड जो होता है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स एवर इवॉल्विंग प्रोसेस, ये एक जगह रुक जाने वाली सी बात नहीं है। आपको हर साल जब हम लोग जज करते हैं तो हमें लगता है कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, कोई ऐसी विधा है, कोई ऐसा डिसिप्लिन है जिसको ख़ास तवज्जो दी जानी चाहिए तो वो हम देते हैं, ख़ास इंपॉर्टेंस उसको दी जानी चाहिए वो देते हैं। सो उसकी कैटेगरी के हम सजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ते हैं कि वो अगर उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। अभी डिसाइड पूरा हुआ नहीं, प्रोसेस जारी है, नॉमिनेशन स्टेज तक पहुंच चुका है जिसमें 5 गाने हर कैटेगरी में चुने जा रहे हैं और उसके बाद फाइनल राउंड होगा, वो आज ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। मैंने इस बार इन लोगों ने फोक म्यूजिक को डाला है क्योंकि फोक म्यूजिक पिछली बार नहीं था, तो हर बार जैसा आप कहा प्रसून ने कि कुछ न कुछ रिसर्च करते रहते हैं। गानों में एक मूल परिवर्तन आया है, पहले हम लोग काफ़ी डिस्कस करते हैं और जावेद साहब हमें इस बारे में काफ़ी एजुकेट भी करते हैं पुराने दिनों के बारे में, जब नैरेटिव का बहुत बड़ा हिस्सा गाने हुआ करते थे। एक देयर इज ओनली वन लाइन एटलीस्ट फ्रॉम अस, एक्सपेक्ट Hopefully, the unexpected. क्योंकि ये मिर्ची अवार्ड्स हैं, वी हैव गॉन थ्रू इट मैनी टाइम्स कि प्रोडक्शन क्या है, ये नहीं कि सिर्फ किसी ने अगर अवार्ड दे दिया किसी को तो हम उसी को दे दें या उसको ना दें, ये भी नहीं है। वी हैव गॉन थ्रू एज कंपोजर्स एंड अंडरस्टैंडिंग लिरिक्स कि भाई इसकी क्वालिटी ऑफ म्यूजिक एंड द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक दैट द सॉन्ग और लिरिक इन होल समथिंग वेयर जैसे हम लोग गाना सुन रहे हैं कि मुखड़ा क्या है, अंतरा क्या है, उसको गाया किस आवभाव से है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसके अरेंजमेंट क्या है, बिकॉज एज कंपोजर्स वी नो एग्जैक्टली वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम। अभी हमने फैसला किया ही नहीं है, अभी हमारी एक टच बाकी है, मतलब जो अच्छा काम करेंगे उसको ही देने की कोशिश करेंगे ना, जहाँ हमको सिंसेरिटी लगा वही कोशिश तो वही रहेगी हमारी तरफ से, पूरी कोशिश की कि अच्छे से अच्छा जो लगे और जो जिसने बहुत अच्छा मेहनत की है ऐसा नज़र आए और सुनने में अच्छा लगे वही अवार्ड के हकदार होंगे। आज कहानी कहाँ होती है पिक्चर में, पिक्चर में हर चीज़ पैची लगती है अगर मेरे को पूछो तो। स्टोरी देखिए, स्टोरी हमारे यहाँ भी बनती थी मगर आज भी हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती है, क्लासिक फिल्में बनती है। एक साइकिल चोरी हो गई और साइकिल ढूंढने में क्या क्या उस आदमी को करना पड़ा उसके ऊपर पूरी फिल्म बनती है। यहाँ अभी मैं कुछ अपने फैमिली का प्रॉब्लम छुड़वा रहा हूँ, इतने में मैं उठ के स्विट्जरलैंड जाता हूँ लड़की के साथ डांस करने के लिए, इट्सेल्फ बहुत पैची लगता है।